नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज, सुराग लाइन्स चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। सीबीयू ने किया ई रिक्शा चालकों का चालान, चौथे दिन भी एलआईसी एजेंट यूनियन की हड़ताल जारी। करवा चौथ पर एसपी एवं कोतवाल ने बांटे गरीब महिलाओं को सूप। चैती मैदान में आज शाम होगा तृतीय श्याम संकीर्तन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित निर्माणाधीन पुल के नीचे ई रिक्शा चालकों द्वारा अपने वाहन खड़े करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते आज सुबह से ही सीपीयू द्वारा पुल के नीचे ई रिक्शा चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई और उन्हें दोबारा वाहन न खड़े करने की चेतावनी दी गई। एलआईसी एजेंट यूनियन की तीसरे चरण की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। आज भी काशीपुर एलआईसी कार्यालय के बाहर दर्जनों अभिकर्ता यूनियन अध्यक्ष सर्वेश शर्मा शशि के नेतृत्व में डटे रहे। इसके चलते दफ्तर में आज चौथे दिन भी कोई कार्य नहीं हुआ। आपको बता दें कि एलआईसी एजेंट यूनियन लियाफी पिछले 1 सितंबर से 30 नवंबर तक आंदोलन कर रही है। बीमा नियामक संस्था IRDA के तानाशाही रवैये के विरोध में यूनियन ने आंदोलन के पहले चरण में गेट मीटिंग की है। दूसरे चरण में 5 सितंबर और 30 सितंबर को अभिकर्ता विश्राम दिवस मनाया गया। एजेंट यूनियन भारतीय जीवन बीमा निगम की, जो पूरे देश में लियाफी नाम से है, पूरे देश में हर शाखा में हमारा आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन 1 सितंबर से और 30 नवंबर तक विभिन्न चरणों में है। जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो, भारत सरकार ने एक IRDA जो हमारी रेगुलेटरी संस्था बनाई है, जो सारे बीमा कंपनियों के नियम बनाती है, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे हमारी LIC के सारे एजेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही हमारे बीमा धारक जो हमसे बीमे कराते हैं उनको भी लाभ नहीं हो रहा है जो उचित लाभ उन्हें मिलना चाहिए, जिनमें उनको हमारी मांगे हैं कि जो बीमा कराता है उसके बोनस बढ़ना चाहिए, वो अगर अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट कम होना चाहिए, उसकी प्रीमियम से GST हटनी चाहिए और विभिन्न प्रकार की मांगें हमारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए हैं। साथ ही हमारे एजेंट्स के लिए जो एक ज़माने से LIC में बीमा करते हैं LIC के लिए, उनका कमीशन जो शुरू से था वही कमीशन चला आ रहा है, उनको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल रहा है और IRDA ने अभी नई अपना जो पॉलिसी ला रही है उसमें हमारा कमीशन घटाने की बात भी कही है और विभिन्न तरीके से हमें परेशान करने वाले नियम ला रहे हैं जिसके तहत हम आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें पहले चरण में 1 सितंबर से हमने गेट मीटिंग कर रखी हैं हर शाखा में पूरे देश में। उसके बाद हमारा 5 सितंबर और 30 सितंबर को विश्राम दिवस था जिसमें हम एजेंट्स ने कोई भी काम नहीं किया। इसी के तहत 11 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर तक 4 दिन ये हमारा विश्राम दिवस चल रहा है, जिसमें हम सभी अभिकर्ता शाखा कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और शाखा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को करीब। काशीपुर का पुलिस प्रशासन गरीब महिलाओं की मदद के लिए आगे आया। आपको बता दें कि कोतवाली में SP सिटी चंद्रमोहन सिंह और कोतवाल मनोज रतूड़ी द्वारा करवा चौथ के अवसर पर गरीब स्त्रियों को सूट बांटे गए। काशीपुर के ब्लॉक परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज समान नागरिकता कानून को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान इस कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा जनता को कानून के लिए सुझाव देने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक एवं काशीपुर क्षेत्र की जनता भी मौजूद रही। कार्यक्रम में SC/ST आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक सहित
जनता का एक समिति बनाए के और लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। और ये अभी काशीपुर में भी आज इसी नियमित आए हुए हैं और आप इसको सुझाव जो भी व्यक्ति देना चाहता है वो सुझाव भी दे सकता है और अपने राय रख सकता है। और ये देश आज उत्तराखंड में लागू होगा, बाद में ये पूरे देश में भी लागू होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोग हैं, उनको अपने सुझाव एक खुले मन से रखने चाहिए। कोई ऐसा विषय नहीं है कि अधिकांश लोगों में ये अभी कहीं जिज्ञासा है कि मैं अपनी बात रखूं या ना रखूं। पर तो मेरा सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि एक जो ये कानून बन रहा है, बाद में एक वो रहता है कि हम बाद में दोष निकालने लगते हैं कि काश इसमें ये होता और ये होता, तो हम कई बार अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हुए अपने विचार रखने का प्रयास करें। और काशीपुर में आज ये समिति आई हुई है और अभी इनका ऑफिस जो है वो राजभवन के बराबर में एनएक्सी गेस्ट हाउस में बना हुआ है, तो वहाँ भी जो लोग आज नहीं आए वहाँ भी अपने विचार विमर्श रख सकते हैं। और अपने हम और क्योंकि कारण क्या है कि देखिए ये इतना आज की डेट में इतना बड़ा जब ये कानून बन जाएगा समान नागरिकता सही, तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा और उसका हम हिस्सा बने और तो बेहतर होगा और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करें। चैत्री परिसर में आज शाम तृतीय भव्य श्याम संकीर्तन के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट काशीपुर के तत्वावधान में आज एक विशाल श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। जय श्री श्याम जी। आज के हमारे मुख्य जो गायक कलाकार हैं कलकत्ता से संजय मित्तल जी, घाटू श्याम जी के मंदिर के निज पुजारी श्री श्याम सिंह चौहान जी और काशीपुर के प्रसिद्ध गायक शुभम तिलकधारी जी यहाँ पे भजन का प्रवाह करेंगे। सहयोग की भावना के साथ समाज सेवा के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर ने समाज सेवा क्षेत्र में एक बार फिर मिसाल कायम की है। इस बार क्लब ने जहां एक स्कूल को फर्नीचर इत्यादि भेंट किए, वहीं दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को अनाज प्रदान किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।